हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के कोटा समाचार में आपका स्वागत है। कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में दिवाली पर सरकारी टीचर ने अपने ही जन्मदिन पर फंदे वाली घटना को अंजाम देने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। परिजनों ने दूसरी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। मृतक राजू शर्मा 52 वर्षीय बसंत विहार में रहने वाले थे, जो सरकारी टीचर थे और कुछ साल पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। इसी दौरान मृतक के बेटे अविनाश शर्मा ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था। मार्च 2021 में दूसरी युवती से शादी कर ली थी। दूसरी युवती के पति का 15 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था। पहले पति से उसके 17 वर्षीय एक बेटा है। युवती कुनाड़ी इलाके में सरकारी टीचर है। शादी के 2 महीने बाद युवती ने दहेज प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया। दोनों मामलों में समझौता होने के बाद तीसरी बार उसने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। इसमें 2 महीने पहले कोर्ट में फैसला सुनाया और पति को बरी कर दिया। उसके बाद वह डिप्रेशन में आ गया और सरकारी टीचर ने अपने ही जन्मदिन पर इस घटना को अंजाम दिया है। इसी दौरान दादाबाड़ी थाना सीआई राम भरोसी ने बताया कि सुबह 7:30 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की रिपोर्ट को दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।